हेलो गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें आप सीखने वाले हो मैप्स के रिलेटेड कुछ नई और अनोखी चीजें। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि था स्टेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको चार स्टेजेस बताई थी, मैप स्टडी, रिकनसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, राइट। लेकिन उसमें मैंने फिफ्थ नंबर का पॉइंट लिखा था मैप्स, ओके, जो कि होता है ड्राइंग्स। ठीक है, तो इसके ऊपर एक न्यू वीडियो इसलिए बना रहा हूं, बिकॉज क्या होता है ना, ये एक छोटा वीडियो है बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो का यूज करके आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल पेपर में। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन के जो 5 मेन पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिटेल में फुल एक एक वीडियो ही रहेगा, उसमें कुछ पार्ट बाय पार्ट नहीं रहेगा, क्लियर। तो हम स्टार्ट करेंगे मैप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हाईवे अलाइनमेंट में जो मैप्स है उनका क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि किस कितने कितने मैप्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है आपका की मैप, ओके। सबसे पहले क्या होता है आपका की मैप होता है। अब ये की मैप होता है क्या है, ठीक है, की मैप आपको ये बताता है, इट शोज द प्रपोज एंड एग्जिस्टिंग रोड एंड प्लेसेस टू बी कनेक्टेड। क्या बताता है ये आपको, ये बताता है कि जो आपका प्रपोज रोड है जो आप बनाने वाले हो, ओके, जो आप प्रपोज हाईवे अलाइनमेंट जो आपने फाइनल की है और जहां से आप रोड बनाने वाले हो, वो रोड बताता है, एग्जिस्टिंग रोड बताता है, ओके, एग्जिस्टिंग रोड बताता है, और उसके बाद आपको ये भी बताता है कि इस रोड से कौन कौन से प्लेसेस कनेक्ट होने वाली है, ओके, कौन कौन से प्लेसेस आप कनेक्ट करने वाले हो। अगर आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो उसमें की मैप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया, बिकॉज इससे यह पता चलता है कि आपकी अलाइनमेंट क्या है, एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट क्या है, कितना आप इसको बढ़ा रहे हो, ठीक है, और उससे कितने प्लेसेस कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, मतलब फर्स्ट था अपना की मैप, सेकेंड नंबर का जो है वो है आपका इंडेक्स मैप, ओके, सेकेंड है आपका इंडेक्स मैप। अभी इंडेक्स मैप क्या होता है, ठीक है, चलो इसके बारे में ध्यान के देखते हैं। तो इंडेक्स मैप आपको यह बताता है कि जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, ठीक है, इंडेक्स मैप एक्चुअली रहता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, किस में रहता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, ओके, ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में रहता है, लेकिन यह आपको क्या बताता है, इट शोज द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, ओके, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। अभी टोपोग्राफी क्या होती है आपको बताता हूं मैं। मैंने वैसे हर वीडियो में बताया कि टोपोग्राफी मतलब होता क्या है, कि जो भी आपका नेचुरल जो चीज है, रिवर होती है, ठीक है, ट्रीज होती है, हिल्स होती है, ये सारी चीजें आपको टोपोग्राफी के अंदर आती है। तो इंडेक्स मैप शोज यू द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे है आपका, वो है प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान्स, ओके, प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान्स, ठीक है। तो जो ये है, मतलब मेन प्लान है, वो है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान। तो थर्ड नंबर का जो ये जो प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान है, ये डिस्कस करता है रिगार्डिंग द डिटेल ऑफ अल्टरनेट अलाइनमेंट एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्वे। जो भी आपकी अल्टरनेट अलाइनमेंट है, ओके, जो भी आपकी अल्टरनेट अलाइनमेंट है, ओके, या फिर अलग ऑप्शंस है जो एग्जिस्टिंग, मतलब जो आप डिजाइन कर रहे हो अलाइनमेंट, उसके लिए जो ऑप्शंस है उसके बारे में डिस्कस करता है, और जो आपने सर्वे डाटा कलेक्ट किया है, उसके बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान्स में ये सारी चीजें आती है, ठीक है। जो अपना फोर्थ नंबर का है वो है आपका डिटेल प्लान, ओके, डिटेल्ड प्लान। अब ये डिटेल प्लान क्या होता है, किस करे क्या इंफॉर्मेशन देता है, डिटेल प्लान वो होता है जो आपको ग्राउंड प्लान होता है विथ अलाइनमेंट बाउंड्रीज और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब डिटेल प्लान आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट प्रोवाइड द ग्राउंड प्लान, ओके, ग्राउंड प्लान विथ एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट और विथ अलाइनमेंट, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, विथ अलाइनमेंट, इसमें प्रपोज अलाइनमेंट भी होती है, ठीक है। देन बाउंड्रीज, ओके, बाउंड्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। देन आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ओके, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है,
और दोस्तों आज एक बहुत बड़ा वीडियो आने वाला है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के ऊपर, जो कि हाईवे के सबसे बड़ा वीडियो होगा। तो प्लीज उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। वो मैं 10 बजे अपलोड करूंगा या फिर 9:30 से 10 बजे के बीच में अपलोड करूंगा, क्लियर ना। उसके बाद जो फोर्थ नंबर इसमें और एक चीज होती है कि इसमें डिटेल प्लान में सारे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन इसमें दी होती है कि कितने कलवट है, कितने वीयूपी है, क्या है, सब दिया रहता है, ठीक है, और उनकी कंडीशंस भी दी रहती है ना। उसके बाद फिफ्थ नंबर का जो प्लान होता है, जो मैप होता है, वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस। ओके, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन प्लान क्या होता है? दिस प्लान प्रोवाइड, ये प्लान आपको वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राउंड एंड प्रपोज रोड की अलाइन, मतलब प्रोफाइल देता है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में मतलब क्या है कि आपको वर्टिकल प्रोफाइल प्रोवाइड करना। ओके, वर्टिकल प्रोफाइल प्रोवाइड करना, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कटिंग कितनी है, फिलिंग कितनी है ऑफ एग्जिस्टिंग रोड। ओके, मतलब एग्जिस्टिंग रोड और प्रपोज रोड। आपको अगर ध्यान में होगा तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कुछ ऐसा एक चीज निकाली थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये अपना हिल एरिया जो एग्जिस्टिंग लेवल है और मुझे जो रोड बनाना है, ठीक है, वो रोड मेरा इस तरीके से जाएगा। तो इस हिसाब से इतना मेरा फील होने का, इतना मेरा फील होगा, ठीक है, और इतना एरिया में क्या करूंगा, कट करूंगा, ठीक है। तो जिससे आपको पता चलेगा कि कितना कट करना, कितना फिल करना, तो ये सारे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस में चीजें आती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है जो आपका सिक्स नंबर का है। ओके, वो है आपका डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन। ओके, डिटेल्ड क्रॉस सेक्शंस। ओके, तो डिटेल क्रॉस सेक्शंस मतलब होते क्या है? देखो, एक क्रॉस सेक्शन जो होते हैं, जो हर 100 100 मीटर पे लिए जाते हैं, हर एक 100 मीटर के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शंस लेते हैं, जिसमें आपको यह पता चलता है कि आपका सबग्रेड क्या वेरी हो रहा है, ठीक है, आपका बिटुमिनस कोर्स कितना कितना वेरी हो रहा है, किस किस लेयर में चेंजेस हो रहा है, उसकी हर एक की थिकनेस आपको पता चलती है। इवन आपको यह भी पता चलता है कि आपका ड्रेनेज कैसी हो रही है, किस तरीके से वेरी हो रही है, आपको उसके स्लोप पता चलते हैं, ठीक है, कि मान लो अभी आपका रोड जा रहा है तो आप पहले यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लोगे, फिर 100 मीटर के बाद, फिर 100 मीटर के बाद, फिर 100 मीटर के बाद, आपने देखा होगा कि इस तरीके से क्रॉस सेक्शन रहते हैं, ठीक है। अभी मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, निकाल के नहीं दिखा सकता आपको, बिकॉज ठीक है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शंस होते हैं जिसमें पूरा कैरिज वे आपका आ जाता है, ड्रेनेज स्ट्रक्चर वगैरह सारे आ जाते हैं। तो ये डिटेल क्रॉस सेक्शंस में सारी चीजें दी जाती है, बट इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि इट शुड नॉट शुड एक्सटेंड अप टू द प्रपोज राइट ऑफ वे, मतलब इसमें एरिया ऑफ कटिंग एंड फिलिंग इसमें शो किए जाते हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब डिटेल क्रॉस सेक्शंस में आपको शोल्डर तक की इंफॉर्मेशन मिलती है और साथ ही साथ आपको उसमें कितना कटिंग होना है, कितना फिलिंग होना है पर्टिकुलर स्ट्रेच में, 100 मीटर के स्ट्रेच में, वो भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। देन सेवेंथ नंबर का जो है हमारा मैप, ठीक है, वो है आपका डिटेल्ड डिजाइन फॉर क्रॉस ड्रेनेज एंड मेसनरी स्ट्रक्चर। ओके, डिटेल्ड डिजाइन फॉर क्रॉस ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, मेसनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको डिटेल डिजाइन प्रोवाइड करता है, जो भी आपका क्रॉस ड्रेनेज है, ठीक है, मेसनरी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपको डिटेल डिजाइन देता है। देन एट नंबर का है, वो है आपका लैंड एक्विजिशन प्लान एंड शेड्यूल। ओके, लैंड एक्विजिशन, ओके, लैंड एक्विजिशन प्लान एंड शेड्यूल, ठीक है। इसमें आपको यह पता चलता है कि आपको कितनी लैंड की जरूरत है, कितनी ग्रीन फील्ड की जरूरत है, उसमें आपको यह भी पता चलता है कि कितनी बिल्डिंग्स आ रही है, कितने ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, कितने कितना एरिया हमें चाहिए और कितना लैंड हमें एक्वायर्ड करना है, ये सारी चीजें इस प्लान में दी जाती है, ठीक है। देन नाइन्थ नंबर का जो प्लान है, वो होता है ड्रॉइंग ऑफ द रोड इंटरसेक्शन। ओके, ड्रॉइंग ऑफ द रोड इंटरसेक्शंस, ठीक है, ड्रॉइंग्स ऑफ द रोड इंटरसेक्शन मतलब क्या, मतलब मान लो कि ये इस तरीके से आपका एक रोड है, ठीक है, जैसे बहुत सारे जंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप का जो रोड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा एक है, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप का जो रोड का फंक्शन है, फंक्शनल है, वो इसमें पूरा रोड इंटरसेक्शन में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और लास्ट है, वो है आपका 10th नंबर का, वो रहता है लैंडस्केप प्लान फॉर क्वेरीज।
मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग अपनी लैंड को मतलब नहीं बेचना चाहते गवर्नमेंट को ताकि वहां पे रोड बने, और या फिर वो नहीं चाहते कि वो उनको मुआवजा मतलब मिले उनके बारे में. जो लैंड जो बेच रहे हैं उसके बारे में उनको पैसे नहीं लेना होता है, उनको अपनी लैंड नहीं बेचना होता है. तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग द लैंड, ठीक है, वो उसमें आती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें की मैप में आती है, मतलब मैप में आती है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये 10 चीजें आपका इंटरव्यू चेंज कर सकती है. इफ यू आर अगर आपको हाईवे इंजीनियर डिजाइन बनना है तो प्लीज आप ये 10 चीजें ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो नया वीडियो आने वाला है दोस्तों, उसमें हम बात करने वाले हैं हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में. ठीक है, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, किधर जाइएगा मत, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय.